हेलो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है फिरोज़ और यू वॉच टू फिरोज हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग्स। गाइस, हमने बताया था कि मुझे रिशूट करना होगा वीडियोस, तो आज हम गाइस वो रिशूट कर रहे हैं वीडियोस। उस दिन मैंने पूरा वीडियो फुल सेटअप किया था, लाइक रेडी किया था इस CV और कवर लेटर से रिलेटेड, तो मैंने उसमें एक और पॉइंट ऐड किया है और प्रो टिप्स है वो। अगर आपको वो प्रो टिप्स जानना है तो आपको वीडियोज़ पूरा देखिए, उससे आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे CV लेटर और इंग्लिश क्या इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्क करते समय, या विदाउट इंग्लिश हम क्या वर्क कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नहीं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करें नहीं करें, वो तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया था, बट आज पूरा फिर से वीडियोस हम शूट कर रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप काम करते समय ले सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के लाइक हमें ज़रूरत पड़ेगा, जो कि हमारा करियर ग्रो करने में हमें बहुत सारा हेल्प मिलेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो गाइस, बात करें जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो कॉलेज के द्वारा एक आपको लेटर दिया जाता है जिससे वो प्रूफ होता है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हो, और जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट करके आते हो, जब आप किसी जॉब पे जाते हो लाइक JT में जाते हो, JT के बाद आप लाइक जॉब पे जाते हो, तो आप वहाँ पे सबसे पहले कंपनी का क्या क्या आप जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आप क्या क्या कंपनी से आप ले सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप कैरी कर सकते हो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने हैं जिससे आपको उसका फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो गाइस, बात करें अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लाइक जस्ट लाइक आपने ट्रेनिंग कम्प्लीट किया, JT कम्प्लीट किया, जब आप ऑन जॉब जा रहे हो, तो सबसे पहले कंपनी से आप हमेशा एक्सपेक्टेशन और डिमांड करें कि गिव मी प्रोवाइड ऑफर लेटर, क्योंकि आपको कंपनी जब ऑफर लेटर देती है तो कंपनी से आप ऑफ़र लेटर हमेशा वो उसको कैरी करके रखें, और ऑफ़र लेटर के बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जस्ट लाइक आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऑफ़र लेटर कैरी किया और आपने 1 ईयर कम्प्लीटली वहाँ पे वर्क किया, 1 ईयर वर्क करने के बाद आप जब 1 ईयर हो जाए, जब आप कंपनी से रिमूव हो रहे हैं XYZ रीज़न के कारण, तो आप वहाँ से कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर आप डिमांड करें कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। जब आपके पास ऑफ़र लेटर और एक्सपीरियंस लेटर रहेगा, जब वो उससे क्या होगा, आपका एक एक्सपीरियंस काउंट होगा कि लाइक आपने इस जगह पे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर काम किया है, तो वो आपका एक एक्सपीरियंस में काउंट होगा। लाइक आप अगर 10,000 है तो कहीं पे आपको 12-15 का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, उस बेस पे आपको मिल सकता है कि हाँ बंदे ने इतने समय से यहाँ पे काम किया या ये काम किया, तो उस बेसिस पे आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। आप हमेशा कंपनी में जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्क करें तो ये दो डॉक्यूमेंट हमेशा डिमांड करें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। जस्ट लाइक आप किसी भी कंपनी में, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, रिजॉर्ट में जा रहे हो, क्लब में जा रहे हो, क्रूज़ में जा रहे हो, XYZ आप कहीं पर भी काम करो, ये हमेशा डॉक्यूमेंट कैरी करो। और दूसरा क्या कि हॉस्पिटैलिटी में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं, अगर आपने 4-5 साल ये डॉक्यूमेंट का अपना ऑफ़र लेटर और एक्सपीरियंस लेटर 4-5 कंपनी के आपने अच्छे से कैरी किया ना, तो 5 साल के बाद आपकी एक नेक्स्ट लेवल प्रोफाइल इंडस्ट्री में जाएगी। जस्ट लाइक आपने शुरू किया 5 साल पहले और 5 साल के बाद आप 5 ईयर कम्प्लीटली कंटिन्यू देते हैं टाइम, तो एक प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो, और जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ओके रहेंगे तो इन फ्यूचर आपको गल्फ रिलेटेड लाइक आपको कहीं जॉब स्विच करना है, यूरोप जाना है, गल्फ जाना है, तो उसमें भी आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने भी 2-3 होटल के अपने करियर में लाइक 6 ईयर के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 3-4 ऑफर लेटर कलेक्ट किए, 1-2 एक्सपीरियंस लेटर है जो कि मैं अभी कंटिन्यू जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी मुझे एक्सपीरियंस लेटर एटलीस्ट तो मैं यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। तो आप भी वैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जब वर्क कर रहे हो तो एक्सपीरियंस लेटर और ऑफर लेटर ज़रूर कैरी करें, जिससे आपका इन फ्यूचर उसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर हमेशा क्या बोलते हैं डिमांड करेंगे करेंगे, कुछ डिमांड करें ना करें, लेकिन आपका पास्ट का आपका एक्सपीरियंस लेटर और ऑफर लेटर कंपनी लाइक पूछती है जब आप जॉब चेंज करते हो। और दूसरा सैलरी स्लिप आज के टाइम में आप कहीं पे भी जॉब अप्लाई न्यू करते हो तो सैलरी स्लिप डिमांड करता है। सैलरी स्लिप इसलिए डिमांड करते हैं HR सामने से, क्योंकि आपका उससे वो पता चल जाए कि हाँ आपका एक क्या बोलते हैं कानूनी तरीके से आपने कंपनी ने आपको 20,000 रुपीज़ पे किया, तो जस्ट लाइक आपने 20,000 आपकी कंपनी ने आपको पे किया तो वो तो आपने बोल दिया, जस्ट लाइक आपने 30,000 आपने मुँह से बोला, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके पास वो कंपनी आपको 30,000 रुपीज़ पे कर रही है? तो 30,000 पे करने के लिए आपका वो एक ऑफ़र लेटर, जस्ट लाइक ऑफ़र लेटर पे तो वो लिखा रहता है। दूसरा सैलरी स्लिप, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इस कंपनी ने आपको इतना अमाउंट पे किया, जस्ट लाइक एक वो, या तो आप बैंक का डिटेल भी ले सकते हैं, और एक सैलरी स्लिप वो उस पर पूरा डिटेल रहता है कि हमने फलाना आदमी को फलाना इसको इतना पे किया, तो वो आप बहुत ज़रूरी है कि वो आप कैरी करें।
और थर्ड अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, यस ऑफ कोर्स इंग्लिश इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक आप एक 5-star होटल या 4-star होटल में जब वर्क कर रहे हो तो सामने से कोई भी गेस्ट आपको फ्रंटली आपको इंग्लिश में ही बात करेगा, वो ना कि वो हिंदी यूज़ करेगा। जस्ट लाइक 90% 10% क्या वो हिंदी बोला या लोकल लैंग्वेज बोला या आप, लेकिन हाँ जब आप एक ब्रांडेड जगह पे काम कर रहे हो तो 99% गेस्ट आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा। और इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। इंग्लिश आप कैसे ग्रो कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े रोज़, न्यूज़पेपर से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। स्टार्टिंग टाइम में मैंने भी बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मैंने इम्प्रूव किया। और दूसरा लोगों से बात करो, आप थोड़ा सा गलत बात करो कि जस्ट लाइक इस की जगह आर लगाओगे, आर की जगह इज लगाओगे, इट्स ओके, स्टार्टिंग में चलेगा, कोई हंस रहा है हंसने दो, लेकिन आप इन फ्यूचर इंग्लिश बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा उससे। लाइक मैंने भी जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वर्क स्टार्ट किया था जस्ट लाइक माय इंग्लिश इज़ वेरी लो, दैट आई नॉट टॉक टू द एनी गेस्ट लाइक इंग्लिश, देन आई इंप्रूवमेंट टू द लाइक वन ऐप यूज टू द आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसको लिंक दे दूंगा वीडियोज़ में, तो वो ऐप मैं यूज़ किया जिसके थ्रू मुझे बहुत अच्छा वहाँ से नॉलेज मिले और मैं धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट करता गया इंग्लिश। और दूसरा मैं लोगों से बात करता गया, जो आता है मुझे मैंने थोड़ा 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 बात किया तो मेरे भी इंग्लिश हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 70% ठीक हो गया। और जैसा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो हमारे यहाँ तो यार इंग्लिश के उतना बोल तो वैल्यूबल कुछ है ही नहीं देते, गवर्नमेंट भी नहीं देते और प्लस लोग भी उतना क्या बोलते हैं अपने एरियाज़ वगैरह में लाइक उतना बात करना पसंद नहीं करते, हिंदी बात करेंगे, भोजपुरी बात करेंगे। तो वही सिंपल सा बात है, इंग्लिश हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे कह रहे सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है यार ये वो है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे मैसेज भी किए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए, पर्सनली बहुत सारे लोगों को मेरा नंबर भी है। तो अभी मैंने एक दो वीडियोस डाले तो जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैसेज भी आए कि सर मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है, क्या मैं कैसे करूँ नहीं करूँ। तो आप बेधड़क हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री करो, कोर्स आप करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो तो आप करो, आप इंग्लिश को ग्रो करो, अपना मतलब स्किल को ग्रो करो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब आप कॉलेजेस में पढ़ते हो तो आपके अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में बात करो, वहाँ से आपको इंग्लिश अच्छे आपके ग्रो हो सकते हैं। और सेकंड, जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्क करने के टाइम जब लाइक आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जस्ट लाइक आप वर्क पे जाते हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो वहाँ पे लोग से आप बात करो, सीखो, वहाँ से लर्न करो। आप इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है कि इम्प्रूवमेंट करना, मुझे क्लासेस जाने होंगे, ये करने होंगे, वो करना, मैंने कुछ नहीं किया है आज तक, मैं इंग्लिश के पीछे 1 रुपये खर्च नहीं किया, रियलिटी बोलता हूँ गाइस। खुद से स्ट्रगल अगर करोगे ना थोड़ा सा भी तो जान जाओगे। अभी मैं महाराष्ट्र में वर्क कर रहा हूँ तो इतना इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा मराठी 1 साल हो गया तो यार ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा जानूंगा, का पाजी साहब बस आओ, इकड़े बस आओ, इकड़े बस आओ, जस्ट लाइक थोड़ा तो एटलीस्ट सामने वाला क्या बंदा बोल रहा है वो तो समझ। तो वैसे ही इंग्लिश है, जब आप उस माहौल में रहोगे, जब आपके माहौल अच्छे हो जाएंगे, बैलेंसिंग हो जाएंगे, तो इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इंग्लिश को मतलब कि ये बना हाइप बना रहे हो, आप सीख जाओगे डोंट वरी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप रही बात हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो और क्या क्या इसके मतलब क्या क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं इसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ो। सिंपल सा बात है, लोग पूछ मुझे कॉमेंट आया कि सर कैसे मैं इम्प्रूव करूँ, तो एक सिंपल सा बात है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छा इंग्लिश हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा भी उतना कुछ हाई नहीं था, मैं अभी बताया आपकी बिहार से था तो उतना भी मेरे इंग्लिश नहीं था, लेकिन मैंने धीरे धीरे ट्राई किया तो अभी इंग्लिश मेरे अच्छे हो गए हैं थोड़े 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 देख। लाइक अभी भी मुझे लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ टोटली किसी से बात करता हूँ तो लाइक इतना बोल सकता हूँ कि सामने वाला को मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और सामने वाला क्या बोल रहा है वो लर्न कर सकता हूँ। जस्ट लाइक क्या वो बोलना चाहिए, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो कर सकता हूँ। एक ये भी सही क्या है, अभी यूरोप जा रहा हूँ, मेरे मीडियम लगे इंग्लिश में, मेरे को मीडियम मिले मार्क्स, एक पेपर आया था उसमें मेरे को मीडियम करके लिखा के वो आया वहाँ से। IELTS जब आप यूरोप जाते हैं जैसे लाइक UK जाते हो तो IELTS का एग्ज़ाम आपको वगैरह देना पड़ता है, वो पूरा इंग्लिश में होता है। लेकिन आप रोमानिया और यूरोप में जाते हो तो आपका एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, उस बेस पे आपको टेस्ट का एक पेपर आता है आपके पास, जब आप अप्लाई जॉब करोगे या आप कुछ टाइम हो जाएगा तो उस टाइम में आपको एक पेपर आएगा। तो मेरे भी उस पर मीडियम ही लिखा हुआ है, मतलब ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊँगा ना ज़्यादा, मेरे मीडियम है। और ऑब्वियसली यूरोप में अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस लोग ज़्यादा प्रेफर, जैसे उनके लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जस्ट लाइक मैं रोमानिया जाऊँ तो वहाँ पर रोमन लैंग्वेज चलते हैं, अभी पोलैंड है बगल में तो पोलिश वहाँ पर बोलते हैं लोग, स्पेन है तो स्पेनिश बोलेंगे, उधर बेल्जियम है तो बेल्जियम में 3 तरह के लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फ्रेंच यूज़ करते हैं, डच यूज़ करते हैं
और उनके बाद जर्मन यूज़ करते हैं, तो अलग अलग जैसे जैसे फ्रांस, ये जैसे फ्रांस जा रहा हूँ तो फ्रांस में फ्रांस बोलेंगे ज़्यादा। इंग्लिश भी है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो मैंडेटरी बोले तो हर किसी को कवर करता है, वो ऐसा लैंग्वेज है इंग्लिश। जैसे लाइक अब हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स हैं तो उनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो वैसे ही वहाँ पे भी अलग अलग कंट्री है तो उनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। लेकिन यूरोप के लोग इंग्लिश इतना है कि वो भी 50% जानते हैं, मैं भी 50% जानता हूँ, तो कॉम्बिनेशन इट्स ओके। अगर वो 50 है तो मैं भी 50 हूँ, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपको इन फ्यूचर भी दिक्कत, जब आप गल्फ में कहते हैं सर मैं यहाँ काम करूँ वहाँ करूँ, ये तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अभी आपको क्रूज़ पे जाना है तो क्रूज़ के लिए जाना है, अप्लाई किया जॉब सब कुछ हुआ, लेकिन इंग्लिश नहीं है तो आपका कैसे होगा। बट इंग्लिश आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हाइप नहीं है कि हाँ इंग्लिश नहीं होगा, कुछ ऐसा कर सकते हो। तो ये हमेशा फोकस करें कि जितना ज़्यादा वो न्यूज़पेपर पढ़े और जितना हो लोगों से बात करें थोड़े थोड़े, और आप क्या कहते हैं डिक्शनरी ले लो, आप उसमें वर्ड को कैरी करो, जो कि कुछ वर्ड्स हैं नॉर्मल वर्ड्स को उसको कैरी करो जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि जो डेली यूज़ होते हैं, आप वो भी कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारा हेल्पफुल मिल सकता है। और पर्सनली यार ये डॉग बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है और मैं शांत में सोचा कि वीडियोज़ बनाओ, लेकिन दिक्कत, चलो कोई नहीं। अब ये दो टॉपिक था तो मैं सोचा था कि हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। अब भाई बात करूँ CV कहाँ से बनाए, तो CV बनाने के लिए सबसे पहले आप कैनवा यूज़ कर सकते हो, कैनवा से मैं CV बनाता हूँ बराबर। और आप खुद से भी अगर चाहो तो खुद से CV अपना बना सकते हो, अगर आप कोई हॉस्पिटैलिटी में लाइक कोई वर्क कर रहे हैं या कुछ है तो आप वहाँ से बना सकते हो, या आप फ्रेशर हो या आप जस्ट लाइक कॉलेज कंप्लीट किया है तो आप वहाँ से भी मतलब एक नॉर्मल CV बना सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा। सबसे बेस्ट ऐप है कैनवा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, फ्री में अच्छी अच्छी CVs के वो है क्या बोलते हैं फॉर्मेट देंगे आपको, वहाँ से आप बना सकते हो। और बहुत सारे कंपनी जब आप अप्लाई करोगे इंडिया में तो MS वर्ल्ड CV मांगते हैं, MS वर्ल्ड आप किसी साइबर कैफे से बनवा सकते हो, या आपको नॉलेज है लाइक कंप्यूटर का थोड़ा भी नॉलेज है तो आप खुद से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी ईजी बना सकते हो। लेकिन मेरे जितने CV है, मैं अपना एक CV यूरोपियन CV स्टाइल में रखा हूँ और एक अपना इंडियन गल्फ स्टाइल में रखा हूँ, लेकिन जस्ट लाइक उसमें मेरा पूरा कुछ डिटेल है, मेरे पासपोर्ट से लेकर रिलेटेड मेरे जितने भी मुझे क्या क्या आते हैं नहीं आते, मेरे क्या एक्सपीरियंस है नहीं है, तो वो एक डिटेल है। अगर आप लोग बताओगे तो मैं यूरोप सीरीज से आगे रिलेटेड CVs वगैरह के नहीं को कुछ ऐसा हो तो मैं भी उसमें भी हेल्प करने को, मतलब हेल्प जहाँ तक हो तो मैं आप लोगों के लिए करूँगा। और यूट्यूब पर मैं वीडियोज़ बनाने का मेरा एक ही मोटिव है, जितने से जितने लोगों को जानकारी मिले, और जानकारी मिलने के बाद उनको एक अच्छा क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि करना क्या है नहीं करना है, कौन से करियर बेस्ट है नहीं है, तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में बहुत सारा मैंने भी फेस किया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई और भी इस तरह से फेस करे। स्टार्टिंग टाइम हर किसी का ये होता है, तो आप भी यहाँ से कर सकते हो, कोई ये नहीं है। मैं जहाँ तक होता है लोगों को जितना हो हेल्प हो, जॉब से रिलेटिव हो, वीज़ास, ट्रैवल इशूज़, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑफर कवर लेटर एक्सपीरियंस लेटर XYZ अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, आप कहीं पर भी मुझे मैसेज करो। अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताता हूँ और उनसे बात करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, यार ऑब्वियसली मैं भी जॉब पे रहता हूँ, मेरे पास भी टाइम की भी बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, तो मुझे जब टाइम बचता है, पर्सनल टाइम बचता है, तो मैं लोगों को जहाँ तक होता है मैसेज करता हूँ। अब सब कोई करता है तो यार पॉसिबल नहीं है कि सबको मैसेज का रिप्लाई दूँ, लेकिन जहाँ तक जो करते हैं सबको मैं जहाँ तक हेल्प हो। कोई मुझसे अभी 2 दिन पहले एक बंदा पूछा जॉब से रिलेटेड, तो मैं उसको गोवा का रिफंड किया क्योंकि वहाँ पर वो सीखना चाहता था, कुछ करना चाहता था, मेरे को वहाँ से अप्रोच आया तो मैंने उसको कहा कि तू जा अच्छा है तेरे को ये है वो है, मैंने उसको गोवा ट्रांसफ़र किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, जॉब से रिलेटेड आते रहते हैं वीडियोस। अपने भी मेरे भी कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसके कारण से मैं भी सोचा बीच में कि मुझे भी अब लगता है प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इट्स ओके, अभी जब तक चल रहा है अभी मैं इधर हूँ, अच्छा है, 1 ईयर होने वाला है मेरा भी। तो जस्ट लाइक जॉब वीज़ा ट्रैवल इशू, अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जॉब से रिलेटेड या ट्रैवल ये सबसे कोई भी इशूज़ हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं जहाँ तक हो सके तो मैं आप लोगों का हेल्प करूँगा। और अपना मैंने बताया कि YouTube पे एक ही मोटिव है आने का, कि जितना हो सके लोगों का हेल्प हो सके, और हेल्प होने के बाद जितना मुझसे मदद हो तो मैं उतना करने को रेडी हूँ गाइस। और मेरा एक ही है कि YouTube पे अपना एक अच्छा एक दिन प्लेटफॉर्म बने और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग हैं वो हमसे जुड़े और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं आगे चल के ये भी करने वाला हूँ कि जस्ट लाइक मेरे खुद के एक अच्छा कैमरा सेटअप सोच रहा हूँ और थोड़े माइक वाइक भी सोचूंगा जब हम अपने 100K 1000+ हो जाएंगे और थोड़े व्यूज़ वगैरह अच्छे हो जाएंगे
तो फिर हम लोगों के बड़े बड़े जिनके 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस है उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ तक हो सके। अभी तो स्टार्टिंग है तो जहाँ तक होता है मुझे टाइम बचता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ और अपलोडेड करता हूँ। तो आज का इन्फॉर्मेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आप कैरी कर सकते हो जिससे आपका फ्यूचर बन सकता है और इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, ये दो टॉपिक मैंने आज कवर किया। तो जितना हो सके लोगों को आप शेयर करो, जितना लोगों को शेयर करोगे और जितने लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिले तो आप मुझे मैसेज करो, मुझे भी अच्छा लगता है यार जब आप मुझे सपोर्ट करोगे और चैनल अपना धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बड़ा होगा। एक दिन जीरो था, अभी 165 अप्रॉक्स सब्सक्राइबर अपने हो गए हैं और फ्यूचर में भी मुझे उम्मीद है कि अपने धीरे धीरे भी एक क्या बोलते हैं नींव बनेगा, धीरे धीरे स्टार्टिंग करेंगे तो अपन नींव बनेंगे तो एक दिन अपने भी काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा। तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है यार कि लोगों से कि हाँ इतना है। और वीडियोस बहुत लंबा हो जाता है यार मेरे से, 15 मिनट प्लस ही जब भी वीडियोस अपलोड करता हूँ तो इतना हो ही जाता है। तो चलेगा गाइज, इतना कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज जो होता है मैं रियलिटी और प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ना कि कोई किसी को बताया या नहीं। मैं रियलिटी वर्क करता हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आज के टाइम में, अपॉर्चुनिटीज़ किन लोगों के लिए नहीं है और क्या इंग्लिश नहीं तो इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स मैं धीरे धीरे बनाऊंगा और अब कुछ टॉपिक्स में मैंने अपलोड करना स्टार्ट भी किया है। तो जितना हो सके यार आप मुझे सपोर्ट करो और इन फ्यूचर अगर यूरोप गया मैं, इन फ्यूचर 99% तो मुझे मैं गया तो वहाँ से भी मैं आप लोगों को वीडियोज़ अपने शेयर करूँगा और जो एक्सपीरियंस है और आप भी कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो, पहले मैं पहुँचूँ उसके बाद किसी को रिकमेंड करूँगा, पहुँच सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कितना फीस लगा मेरे को, मैं सब कुछ बताऊँगा धीरे धीरे। तो आप मुझे साथ बने रहो, फॉलो करो मुझे, मैं जितना हो सके अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं गाइस और 6:30 बजने वाला है तो अभी सेटअप भी क्लोज़ हो चुका है और अभी थोड़ी देर के बाद हमारा ब्रीफिंग होगा, तो 6:30 को ब्रीफिंग होगा तो आफ्टर ब्रीफिंग फिर हमारे गेस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम से थोड़े बिजी हो जाते हैं। बचता है टाइम तो गाइस 3:00 के बाद थोड़ा सा, मतलब 4:00 और 6, मतलब ये 2 घंटा टाइम थोड़ा सा गेस्ट नहीं होता है होटल में, तो मैं इस टाइम में प्रेफर करता हूँ कि हाँ चलो अभी टाइम नहीं है तो थोड़ा वीडियोस लोगों के लिए शूट करता हूँ। तो जितने वीडियोस मैंने शूट की इसी टाइम में शूट किए हैं और जितना जल्दी हो सकता है तो मैं अपलोड भी करता हूँ। और हमारा एक पुराना वाला वीडियोज़ हमसे डिलीट हो गया था तो इसलिए आज मैं इसके साथ कवर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर और क्या बोलते हैं अपना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स और इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज दोनों टॉपिक को ऐड करके 17 मिनट प्लस वीडियोस हो गए, लेकिन आप देखें मज़ा आएगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलो किसी और वीडियोस में मिलते हैं गाइस, बाय बाय, अपना ख्याल रखो।